हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैग हर्षित में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन से अपने YouTube वीडियो का CTR किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और एक चीज़, AdSense का CTR और YouTube वीडियो का CTR अलग होता है। अगर AdSense का CTR बढ़ता है तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है, जबकि यूट्यूब वीडियो का CTR बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन आज के टाइम पर काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमें अपनी यूट्यूब वीडियो का CTR चेक करना है तो PC लैपटॉप में गूगल क्रोम में हमें खोलना पड़ेगा यूट्यूब स्टूडियो, या फिर कुछ लोग कहते हैं फ़ोन में गूगल क्रोम खोलो, उसको डेस्कटॉप साइट में करो तभी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे आप CTR अपने यूट्यूब वीडियो का देख सकते हैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन में। अगर आज से 8-9 महीने पहले की बात की जाए तो यूट्यूब स्टूडियो जो एप्लीकेशन है YT स्टूडियो, उसमें आप CTR चेक नहीं कर सकते थे। बट आज के टाइम पे आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन से अपने किसी भी यूट्यूब वीडियो का CTR चेक कर सकते हैं। सो कैसे कर सकते हैं वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सो जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और उससे पहले अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ में अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो उसके लिए आपको सबसे पहले YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। नीचे आना, थोड़ा सा वीडियो वाले सेक्शन में व्यू मोर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी वीडियोज आपके चैनल पर अपलोड होगी वो सभी शो हो जाएगी। जिस भी वीडियो का CTR चेक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको गो टू वीडियो एनालिटिक्स वाला ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रीच वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, ऊपर आपको इंप्रेशन दिखेगा, उसके नीचे आपको CTR दिख जाएगा। लेकिन जो CTR होगा वो होगा लास्ट 28 डेज का, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, एक बार उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर लास्ट 28 डेज लिख कर आएगा, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं लाइफ टाइम या किसी पर डे या किसी कोई मंथ का, अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। सो ये तो तरीका जिससे आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन से अपने YouTube वीडियो का CTR चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन प्रेस करें। इसी तरीके की वीडियोस मैं और चैनल पर लाता रहता हूँ। एंड इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद।